बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ह्यूमन ट्रैकिंग इंटेलिजेंट कैमरे के ऊपर। ये एक न्यू मॉडल आया है इन मार्केट में, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कैमरा है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि एक आउटस्टैंडिंग कैमरा है कि नहीं। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताऊँगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये एक कैमरा है, ठीक है, मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। सो ये इसका एक छोटा सा कैमरा निकल आया है, ठीक है, ये देखें, ये न्यू मॉडल आया इन मार्केट में, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा आपके सामने। इसके बाद यहाँ पे एक चार्जर दिया होता है उन्होंने, और चार्जर के साथ ये इसका चार्जर आ गया। ये कुछ इसके नट वगैरह बोल्ट वगैरह जो आप दीवार के साथ इसको फिक्स कर सकती हैं, ठीक है। सो ये इसका खाली डब्बा साइड पे कर देता हूँ। ये इसके जो से इंस्ट्रक्शन है कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये हमने इसके बैक पे लगाना है। आप एक्चुअली इसको यूज़ कर सकते हो इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह, इसके पीछे जो चार्जर लगा सकते हो, चार्जर की ये वाली ऑप्शन दी हुई है चार्जर की, ठीक है। और उसके बाद जो सा आप यहाँ पे इसको ये जो सा सुराख किया होगा ये दीवार के साथ अटैच करने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी दोस्तों, अब हम जो सा ना इसको चार्जर लगाते हैं स्विच के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो सा इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे आम मोबाइल को चार्ज लगाते हैं इसी तरह इसको भी चार्ज लगा के आपने रख देना इसको। ये इसकी लाइट ऑन होती हैं फिर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से तब तक ये जब इंस्टॉलेशन कर रहा है तो तब तक हम यहाँ पे इसकी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इसकी ऐप, जो इसके बॉक्स के ऊपर भी दी है, मॉडल वगैरह नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिंपली जो सा ना वो है P6S लाइट। ये देखें मैंने अभी P6 लिखा है और नीचे S लाइट आ गया। ये एक बहुत ज़बरदस्त कैमरा, फिर बार बार कह रहा हूँ आपको क्योंकि न्यू मार्केट में आया है, आप इसे लास्ट में यूज़ कीजिएगा। सो ये वाली इसकी आपने ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है कैसे नहीं, ये सारी आज से सारा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये ऐप डाउनलोड हो गई है, इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर आप चाहते हो कि ईमेल के थ्रू इसको लॉगिन करना चाहते हो तो ईमेल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, मगर अभी मैं जो सा ना वो आपको सिंपली समझाने के लिए इसको यानी कि वो करूँगा थर्ड पार्टी के साथ लॉगिन। सो ये जो सा ना वो आपके सामने आ गया है। सो मैं इसको थर्ड पार्टी के साथ, ये देखें यहाँ पे आप जस्ट ईमेल टाइप करनी है, ठीक है, तो नीचे आपने अपना पासवर्ड सेट कर देना, मगर उससे पहले आपने साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद जो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड रखा होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी AP के साथ होस्टपोर्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है सेंटर वाला, और उसके बाद आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टेटस के ऊपर आपने क्लिक करना है रेडी नेक्स्ट स्टेप, और ये जो सा ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ सेकेंड लेगा आपके, तो उसके बाद ये क्विकली आपका कैमरा ओपन कर देगा। सो ये देखें ये कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया हुआ है। सो अगर आप इस प्ले के ऊपर दो मरतबा क्लिक करें तो ये देखें फिर एक कनेक्ट हो गया है, और मैं फिर इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा कैमरा, ठीक है। तो ये जो सा ना आप इसको, इसकी मैं थोड़ी सी आप डिटेल बता दूँ, जो सा रिकॉर्डिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसके साथ टॉक करना चाहते हैं हेलो, तो ये PTG जोन से है, आप इसको ऑन करें तो ये कैमरे को रिमूव करने के लिए है, ठीक है, आप जहाँ पे मर्जी कैमरे को लेके जा सकते हैं। सो उसके बाद जोन से ना वो आप ये जोन से ना छोटा सा ये ट्रैकिंग है, जो भी बंदा आपके पास आएगा या जो भी करेगा वो इसको मूवमेंट देता रहेगा कैसे आपने किस तरह करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये देखें ये इस तरह आपके सामने आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाता है वॉल्यूम का, अगर आपके दबा करते हैं हेलो, ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। सो इसको बैग जाता हूँ और
अगर आपने इसको ऑनलाइन करना है तो आपने कैसे करना है इसको ऑनलाइन, तो ये आपके सामने एक सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर आपने चले जाना है। जब आप सेटिंग पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे नीचे आ जाना और मोड पे क्लिक करना है। मोड पे क्लिक करने के बाद ये वायरलेस हॉटस्पॉट नेटवर्क सेटिंग आ जाती है। तो ये जो है मेरा टीपी लिंक का है, अभी इसको मुझे कंफर्म पासवर्ड का नहीं पता, तो इस वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे इसको पासवर्ड लगा देना है और ये जो है ना आपका ऑनलाइन कैमरा हो जाएगा। और जहाँ पे भी आप बैठे होंगे वहाँ पे आप चाहे दुबई में, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे भी बैठे होंगे आप अपने कैमरे को इजीली देख सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे आपने फिर डेट और टाइम को सेट कर लेना है ताकि जो है ना आपकी रिकॉर्डिंग उसी हिसाब से चले। जब तक आप इसको नहीं करोगे मैनुअल तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, ये टाइम भी इसका सेटअप चेंज हो गया है। ये थी आज की इसकी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।